पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने अनुभवी अजिंक्य रहाणे और युवा शुभमन गिल को वेस्टइंडीज दौरे के लिए वनडे टीम में नहीं चुनने पर सवाल उठा दिए हैं। इसके साथ इन्होंने चयन समिति से अपनी नीतियों में निरंतरता बनाए रखने का आग्रह किया है। भारत का वेस्टइंडीज दौरा 3 अगस्त से शुरू हो रहा है, जहां टीम इंडिया को वेस्टइंडीज के साथ 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम चुन ली गई है, लेकिन सौरभ गांगुली इससे खुश नजर नहीं आ रहे। वहीं बता दें, केदार जाधव निरंतर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन वे टीम में हैं। जबकि वेस्टइंडीज में 5 लिस्ट 6 मैचों में 218 रन बनाकर मैन ऑफ द सीरीज रहे शुभमन गिल को टीम में जगह नहीं मिली है। सौरभ गांगुली ने ट्विटर पर चयनकर्ताओं की खिंचाई की है। उन्होंने कहा है कि उनका मुख्य काम सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध टीम का चयन करना होगा, चाहिए ना कि लोगों को खुश करना। उन्होंने ट्वीट किया, लय और आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए समय आ गया है कि चयनकर्ता सभी प्रारूपों में समान खिलाड़ियों का चयन करें। केवल कुछ खिलाड़ी हैं जो सभी प्रारूपों में खेलते हैं। मजबूत टीमों में निरंतर अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी होते हैं। सभी को खुश करना जरूरी नहीं है, देश के लिए सर्वश्रेष्ठ टीम का चयन करना और चयन में निरंतरता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि टीम में कई ऐसे हैं जो सभी प्रारूपों में खेल सकते हैं। शुभमन गिल को टीम में नहीं देखकर हैरान हूं। अजिंक्य रहाणे को भी वनडे टीम में होना चाहिए था। तो ऐसे में कहा जा सकता है सौरभ गांगुली ने टीम के चयन पर सवाल उठा दिए हैं। अब देखना होगा चयनकर्ता इसका क्या जवाब देंगे। आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय दीजिएगा। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस स्पोर्ट्स को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा।